मैं आपको बता दूं, एक मुंह में भरा हुआ खैनी खाने वाला, कम से कम उसे खैनी छोड़ देनी चाहिए। जो पान भर करके लोकसभा में कन्नौज और आसपास के विकास के लिए एक बात नहीं कर सकते। कन्नौज में एक्सप्रेस वे किसने बनाया या वो आसपास क्यों नहीं? अब जब वो मुंह में इतना मसाला भर लेंगे तो वो कन्नौज के लिए विकास क्या मांगेंगे? और यहाँ तो मैं जानता हूँ इटावा में उनकी रिश्तेदारियाँ हैं, बहुत रिश्तेदारियाँ हैं इटावा में, और इटावा में भी जानते होंगे रिश्तेदारी आलू निकलवा रहे हैं चंबल से। भाई इटावा में ऊँट नहीं है, लेकिन पता नहीं बीजेपी के लोग ऊँट कहाँ से ले आए हैं ये बालू निकालने के लिए, जबकि आप चंबल से बालू नहीं निकाल सकते। तो धनबल का इस्तेमाल नहीं हुआ। इन नेताजी के प्रति मैनपुरी की जनता की एक श्रद्धांजलि थी, उनके प्रति एक लगाव था। जो नेताजी ने जिंदगी भर वहाँ के लोगों के बीच में काम किया, नेताजी का परिचय कोई नया नहीं था मैनपुरी के लिए। और ये हमारा देश भारतीय है, भारत देश है, जहाँ एक लगाव हो जाता है। और मैं समझता हूँ भावनात्मक तरीके से नेताजी का जुड़ाव मैनपुरी के लोगों के साथ था। जब नेताजी नहीं रहे तो वहाँ की जनता ने विकास को और नेताजी के पक्ष में मतदान किया। जनता जानना चाहती है कि चाचा को कौन सी जिम्मेदारी दी जाएगी। चाचा को हमेशा जिम्मेदारी मिलेगी और समाजवादी पार्टी में आज हैं वो, उन्हें जिम्मेदारी मिलेगी। सुब्रत पाठक ने कहा है कि समाजवादी पार्टी ने शिवपाल सिंह को इसलिए अलग किया था क्योंकि गुंडे थी उनके पास, और यहाँ तक कि उन्होंने मुख्तार अंसारी को भी पार्टी में शामिल कराया था। मैं आपको बता दूं, एक मुंह में भरा हुआ खैनी खाने वाला, कम से कम उसे खैनी छोड़ देनी चाहिए। जो पान भर करके लोकसभा में कन्नौज और आसपास के विकास के लिए एक बात नहीं कर सकते। कन्नौज में एक्सप्रेस वे किसने बनाया या वो आसपास क्यों नहीं? अब जब वो मुंह में इतना मसाला भर लेंगे तो वो कन्नौज के लिए विकास क्या मांगेंगे? और यहाँ तो मैं जानता हूँ इटावा में उनकी रिश्तेदारियाँ हैं,